नाला सुपारा पुरु के अचोले रोड पर स्थित एक ज्वेलरी शॉप में लूट करने आए लुटेरे ने नकली बंदूक दिखाकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि ज्वेलरी शॉप का मालिक नकली बंदूक को पहचान गया और उसने शोर मचा दिया। मामला बढ़ता देख लुटेरा वहां से भाग निकला और दुकान लूटने से बच गई। मंगलवार को ही लूट की असफल वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गुरुवार को इसका वीडियो सामने आया है। अब पुलिस इस वीडियो के सहारे आरोपियों की तलाश कर रही है। शॉप के मालिक चेतन जैन ने बताया कि मंगलवार रात 9 बजे के करीब मैं अपने भाई दिनेश के साथ दुकान पर बैठा था, तभी दुकान के बाहर एक बाइक आकर रुकी और बाइक सवार शख्स हेलमेट पहनकर दुकान के अंदर आया। उसने चाकू और बंदूक दिखाकर दुकान में मौजूद ज्वेलरी उठाने का प्रयास किया। मैंने देखा कि उसके हाथ में जो पिस्तौल है वह नकली है। उसके बाद मैंने दुकान में पड़ी प्लास्टिक की बाल्टी बाहर फेंकी और चोर चोर चिल्लाने लगा। उन्होंने आगे बताया कि बाल्टी की आवाज सुनकर लुटेरा डर गया और अपनी बाइक की ओर भागा। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह हाथ में चाकू लहराता हुआ वहां से निकल गया। नाला सुपारा पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हेलमेट पहनने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अब इलाके में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज, मुंबई।